हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मामा अर्थ के कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स के, और ये सारे अनियन रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आज मैं मामा अर्थ के अनियन शैम्पू, कंडीशनर और हेयर ऑयल का रिव्यू करने जा रही हूँ। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूँ कि मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री होते हैं, मिनरल फ्री होते हैं, दे आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड ऑल हेयर टाइप्स प्रोडक्ट है। जी हाँ, सारे हेयर टाइप्स वाले इस प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इवन मेन एंड वुमेन भी इस प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो भी रिव्यू मैं शेयर कर रही हूँ, इन सारे प्रोडक्ट्स को मैंने यूज़ किया है। एंड जो भी प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर कर रही हूँ, ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे इसके क्या बेनिफिट्स हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले मामाअर्थ के अनियन हेयर ऑयल की बात करते हैं। अनियन गाइस, जिन्हें पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि अनियन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमारे हेयर के ग्रोथ को बूस्ट करती है और इस हमारे हेयर के स्ट्रेंथ को बना प्रोवाइड करती है। साथ ही हमारे हेयर को नरिश करती है, इसे साइन सिल्की स्मूथ बनाती है। और यहाँ पे इसकी नेट क्वांटिटी 150 ml है, 1 ईयर इसकी शेल्फ लाइफ है, और इसकी MRP 399 है। और यहाँ पे इसके की इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आपको कुछ बता दूँ। यहाँ पे इसके की इंग्रेडिएंट्स है, इसमें सनफ्लावर ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, आमंड ऑयल है, ब्रिंगराज ऑयल है, कैस्टर ऑयल, अनियन एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, सेसम ऑयल, रिडेंसेल्स। तो बेसिकली ये सारे ऑयल का मिक्सचर है जो आपके हेयर को डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और ये हेयर फॉल कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सिंपली आपको इसे अपने हेयर पे अप्लाई करना है फिंगर टिप्स की हेल्प से, और अप्लाई करने के बाद एटलीस्ट 2 to 3 hours तक इसे अपने हेयर पे लगे रहने दे, या फिर ओवरनाइट इसे छोड़ दे। उसके बाद आप मामाअर्थ के अनियन शैम्पू से इसे वॉश कर ले, या किसी भी केमिकल फ्री शैम्पू से आप इसे वॉश कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है मामाअर्थ की अनियन कंडीशनर एंड अनियन शैम्पू। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मामा अर्थ के अनियन शैम्पू की विथ अनियन एंड प्लांट कैरेटीन। और ये हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अनियन हेयर फॉल को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सल्फेट फ्री शैम्पू है जो आपके हेयर को अच्छे से हेयर फॉल तो कंट्रोल करती है, साथ ही आपके रूट्स को स्ट्रेंथ करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और हेयर को नरिश करती है, अच्छे से क्लीन करने में हेल्पफुल है। और साथ ही ये आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगी और आपके हेयर को स्मूथ, सिल्की, शाइनी बनाने में हेल्पफुल है। 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है, और इसकी MRP 349 है, और इसकी नेट क्वांटिटी 250 ml है। और इस प्रोडक्ट्स को गाइज मैं एटलीस्ट 2 months से यूज़ कर रही हूँ, और मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी बेटर लगा है। ये आपके हेयर को एक्चुअली रियली में ये आपके हेयर को स्मूथ बनाती है और आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करती है। तो आपको सिंपली इसे वेट हेयर पे अप्लाई करना है, और जेंटली इसे मसाज करने के बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले, और उसके बाद कोई भी सिलिकॉन फ्री कंडीशनर यूज़ कर ले। ओके गाइस, और ये जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है मामाअर्थ की अनियन कंडीशनर विथ अनियन एंड कोकोनट। और ये अनियन और कोकोनट हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ये हमारे हेयर को स्मूथ बनाती है, सिल्की शाइनी सॉफ्ट बनाती है। जो भी डिटेंगल्ड हेयर होते हैं, जो हमारे बाल उलझ जाते हैं और टूटने लगते हैं, उन्हें ये कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और ये सिलिकॉन फ्री कंडीशनर है दैट मेक्स योर हेयर सॉफ्ट एंड स्मूथ। और इसकी भी MRP
349 है और इसकी सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है और इसकी नेट क्वांटिटी 250 ml है और सारे प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, केमिकल फ्री है और ऑल हेयर टाइप्स है, मैन एंड वुमेन सभी इस प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है उसके बारे में बता दूँ। आफ्टर शैम्पूइंग टेक एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कंडीशनर, अप्लाई इट ऑन अ डैम्प हेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड लेंथ एंड ऑल द वे डाउन टू द टिप्स। तो आपको इसे अच्छी तरह से अपने पूरे हेयर पे लगाना है और इसे 2 to 3 minutes तक छोड़ देना, उसके बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले। और गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अनियन शैम्पू इसके पहले भी यूज़ किया है, वो बॉटल मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका, अनियन शैम्पू मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है और मैंने इसे सेकंड टाइम परचेस करा है। मुझे तो ये सारे प्रोडक्ट्स अब तक के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे लगे हैं और मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार अनियन रेंज को ज़रूर ट्राई करें और आपकी क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो गाइज ये था मेरा आज का रिव्यू, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।